हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष। तो गाइस फाइनली आप सभी के प्यार और सपोर्ट के वजह से हमने फाइनली खरीद लिया है टेस्ला साइबर ट्रैक। तो ये है दोस्तों उसका चाबी और जो कि है यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आज हमारे पास टेस्ला साइबर ट्रक डिलीवर हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो इसका बॉक्स, तो गाइस इसको मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि इसको कैसे असेंबल करना है, किस तरह से इसको यूज़ करना है और किस तरह का इसके फीचर है। अगर आप इंटरनेट में इसका जो लॉन्च इवेंट का वीडियो है टेस्ला साइबर ट्रक असली वाला, तो उसका अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें इलन मस्क ने पहली बार एक मेटल बॉल को उसके कांच में मतलब मारा था, तो फिर उसका कांच टूट गया था। तो उसके बाद काफ़ी सारा मतलब रिसर्च करने के बाद, उसके ऊपर और भी काम करने के बाद, उन्होंने एक और वीडियो बनाया था, मतलब टेस्ट किया था। तो एक वीडियो मैंने देखा था तो वो प्रॉपरली काम कर रहा था। तो बाकी वो तो है रियल कार्ड, बाकी हमारे पास इधर आ गया है DIY कार्ड। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है और किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बॉक्स के ऊपर ही जो साइबर ट्रक है उसका एक एक्चुअल फोटो इधर दिया गया है, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह का आपको लुकिंग देगा। और गाइस इधर लिखा गया है यंग लर्नर। गाइस ये जो कंपनी है वो और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये कुछ इस तरह का SUV कार भी बनाती है, टेस्ला साइबर ट्रक बनाती है, कुछ इस तरह का कार बनाती है, जो टैंक है उन्हें भी बनाती है। और बॉक्स के पीछे दोस्तों उसी के बारे में कुछ इधर डिटेल दिया गया है, जैसे कि इधर एक बार कोड दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो इसको स्कैन करके इनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। और गाइस एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है। इधर लिखा गया बिल्ड टाइम 1 आवर, मतलब इसको बनाने में सिर्फ 1 घंटा समय लगेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। चलिए हम इसे हटा लेते हैं। इस रैपर हमने हटा दिया है, तो चलिए अब हम इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमें मिलता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो आप इसे पढ़ के इस कार को कैसे बनाना है तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। पूरा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों इधर समझाया गया है। तो किस तरह से बनाना पड़ेगा, किस तरह से कौन सा पार्ट कहाँ पर असेंबल होगा, तो सब कुछ इधर समझाया गया है। इस पॉलीथीन के अंदर वुड्स है और बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। अब हम मैनुअल को पढ़ के सारा स्टेप बाय स्टेप इसको बना लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करने से पहले 2 काम कर लेते हैं। तो एक है हम मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लेते हैं, क्योंकि बॉक्स के ऊपर लिखा था कि 1 घंटे में कम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, 1 घंटे में हम क्या कम्प्लीट कर पाते हैं या नहीं। स्टॉप वॉच को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। और एक काम बाकी है, इसको पहन लेते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। पहन लेते हैं। मान लो आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, लोग आपको जरूर से देख कर हंसेंगे, लेकिन अपने ही अपने काफी ज्यादा मजा आएगा। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credit. तो गाइस फाइनली पूरे लगभग 45 मिनट्स में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसका थोड़ा लुक देख लीजिए। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be shutting out, call it word of mouth, can't put it down, I'll be... तो इतने सारे पीसेस हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि कोई अगर बाय चांस खो जाता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई ग्लू एक्स्ट्रा लगा देते हो तो आपको कुछ इस तरह का रेगमाल मिलती है, तो आप कुछ इस तरह से घिसकर उसको फिनिशिंग दे सकते हो। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। और ये जो कार है वो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में होनी चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Had to do just to feed me and what was left over.